छतरपुर के नौगांव में मैगी खाने से आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। मामला गर्रौली चौकी के ग्राम बनछोरा की है, जहां मैगी खाने से 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इन सभी को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ये सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं और नौगांव नगर में दादी के घर पर पढ़ाई कर रहे थे। तो आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। मामला गर्रौली चौकी के ग्राम बनछोरा की है, जहां पर मैगी खाने से 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। नौगांव नगर में दादी के घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं और इसी दौरान जब उन्होंने मैगी खाई तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और हालात ऐसे हो गए कि फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो छतरपुर के नौगांव का मामला है, जहां पर मैगी खाने से आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। मामला गर्रौली चौकी ग्राम बनछोरा की है, जहां पर मैगी खाने से 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। मुमताज खान जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मुमताज बताइए, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, कैसे बच्चे बीमार हुए? जी सलमान जी, बच्चों की इच्छा पर जब दादी ने मैगी बाजार से लेकर बनाई तो सभी लोगों को, 7 बच्चों को मैगी खिलाई, खुद दादी ने भी बच्चों की खाई, तो उसके बाद से खाने के बाद से तुरंत उन लोगों की तबीयत बिगड़ी, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव भर्ती कराया गया, जहां पे उनको गंभीर हालत होने पर उनको छतरपुर जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिए गए, जिसमें कि 2 बच्चों की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही थी और 5 बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा था। जी सलमान जी, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्या मैगी खाने से बीमार हुए हैं और क्या मैगी खराब हो चुकी थी? जी इस संबंध में जब हमारी डीएमओ डॉक्टर अजय यादव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये मैगी खाने के बाद से ऐसी स्थिति बनी है, तो शायद उसमें बनाते समय कुछ ऐसा नशीला पदार्थ गिर गया होगा, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स बच्चों में और उसकी दादी में पाए जा रहे हैं, तो जिससे उसकी हालत में गलती गई, उसके बाद में जिला चिकित्सालय रेफर कर दिए गए। जी सलमान, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताया गया कि सभी बच्चों ने एक ही परिवार के मैगी खाई थी बना के दुकान से खरीद के लाके, तो इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई है। सभी को इधर ट्रीटमेंट देके और छतरपुर रेफर किया गया है। अभी 4 बच्चे थोड़ा सीरियस है, तो सभी को भेज दिया है छतरपुर।